बाद केंद्र सरकार ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों के दामों में 150 रुपए की बढ़ोतरी की और अब गैस सिलेंडर 900 रुपए में खरीदना होगा। और रसोई गैस के दाम में हुए इजाफे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि देश की आर्थिक हालत खराब है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। वहीं सीए और एनआरसी को लेकर कहा कि इस कानून से देश में अशांति बढ़ेगी। देश की आर्थिक हालात खराब है और पूरे तरीके से ये जो बजट पेश किया गया है निराशाजनक है। महंगाई बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जीएसटी के कलेक्शन कम होने से राज्यों को जो उनका अधिकार जो जीएसटी का कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए था उसमें कमी आई है। भोपाल की शाहजानी पार्क में आती थी।